अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अमूमन हर व्यक्ति की है जानने की अभिलाषा होती है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री की आय कितनी है और इसमें साल दर साल इजाफा हुआ है अथवा नहीं, और अगर हुआ है तो कितना। आइए आज हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। पिछले वित्त वर्ष में पीएम मोदी की चल संपत्ति 26.26% बढ़कर 1,39,10,260 रुपये से 1,75,63,618 रुपये हो गई। पीएम मोदी की चल संपत्तियों में पिछले 15 महीनों में 36.53 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 12 अक्टूबर को जारी पीएम मोदी द्वारा उनकी संपत्तियों की नवीनतम जानकारी में 30 जून तक की उनकी वित्तीय स्थिति का पता चलता है। पीएम मोदी की संपत्तियों में यह वृद्धि उनके द्वारा अपनी तनख्वाह की बचत और सावधि जमा के ब्याज के जरिए हुई है। सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों द्वारा अक्सर ही इस तरीके से अपने पैसे बचाए जाते हैं। अलबत्ता देश के दूसरे पावरफुल गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति, जो कि पिछले साल तक 32.3 करोड़ रुपए थी, जून 2020 में घटकर 28.63 करोड़ रुपए रह गई है। डिक्लेरेशन के मुताबिक अमित शाह के पास 10 अचल संपत्तियां हैं जिनकी कुल वैल्यू 13.56 करोड़ रुपए है। उनके पास कैश 15,814 रुपए और 1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है। इंश्योरेंस पेंशन पॉलिसीज मिलाकर कुल 13.47 लाख रुपए हैं। 2.79 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में हैं, जबकि 44.47 लाख रुपए की ज्वेलरी है। 2020 में शेयर मार्केट में गिरावट की वजह से अमित शाह की संपत्ति में गिरावट दर्ज हुई है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की अचल संपत्तियों में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने गांधीनगर गुजरात में 1.1 करोड़ रुपए के प्लॉट और घर को सूचीबद्ध किया है। वह अपने परिवार के साथ इसके एक हिस्से के मालिक हैं। पीएम मोदी की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, जो वैश्विक स्तर के मुकाबले काफ़ी कम है। कोरोना वायरस से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट सदस्य और सांसदों के साथ अपनी तनख्वाह में 30% की कटौती स्वीकार की है। इसकी शुरुआत अप्रैल महीने से हुई थी। 31 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री के बचत खाते की शेष राशि 4,383 रुपये के मुकाबले 30 जून को 3.38 लाख रुपये थी। उन्होंने जून के अंत में 31,450 रुपये नकद रखे। भारतीय स्टेट बैंक की गांधीनगर शाखा में उनकी सावधि जमा राशि 30 जून 2020 तक बढ़कर 1,60,28,039 रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,27,81,574 रुपये थी। ये संख्या पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले दाखिल किए गए अपने हलफनामे से मेल खाती है, जिसमें जमा राशि में 1.27 करोड़ रुपये सहित 1.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति सूचीबद्ध की गई है। प्रधानमंत्री की कोई देनदारियां नहीं हैं और उनके पास कार भी नहीं है। उनके पास सोने की 4 अंगूठियाँ हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के 7,61,664 रुपये थे और उन्होंने जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में 1,90,347 रुपये का भुगतान किया। पीएम मोदी द्वारा जनवरी 2012 में 20,000 रुपये में खरीदा गया बुनियादी ढांचा बॉन्ड अभी तक अपनी पूर्णता तक नहीं पहुँचा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।